दो ड्रैगो छप्पन मारे थे, 2000 कबरी तान में चले गए, घुसा दिए हमको अंदर इसी हिंदू समाज ने। ये विवादित बोल है मध्य प्रदेश आरएसएस के एक महानगर प्रचारक प्रमुख के। उज्जैन में एक सभा को संबोधित करते हुए कुंदन चंद्रावत खुद को रोक नहीं पाए और भावनाओं में बह गए। केरल में हाल में हुए आरएसएस प्रचारकों की हत्या के लिए मुख्यमंत्री पी विजयन को दोषी ठहराते हुए चंद्रावत ने सभी हदें पार कर दी और उनका सिर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही। जब कुंदन चंद्रावत यह घोषणा कर रहे थे तो मंच पर उज्जैन महानगर संघ चालक श्रीपद जोशी, सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, विधायक मोहन यादव, महापौर सहित बीजेपी के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ये समझता है कि हिंदुओं के खून में गौरव नहीं है, शिवाजी का हिंदुओं के खून में वो जज्बा नहीं है। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं डॉक्टर कुंदन चंद्रावत, संपत्ति है मेरे पास इतनी, इसलिए घोषणा करने की हिम्मत कर रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा का लगभग मकान है, उसका सर काट के ला दे विजयन का कोई मेरे को, वो मकान वो जायदाद में उसके नाम कर दूंगा। वामपंथी दलों ने आरएसएस प्रचारक के बयान की निंदा की है। ये आरएसएस का ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज खुले रूप में एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके का धमकी दे और इस धमकी के बारे में अभी तक प्रधानमंत्री का छुपी, ये स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार और सत्ता का शरण है आरएसएस को, जिसके चलते हुए इस तरीके की गैर जनतांत्रिक और बेबुनियादी और धमकियों के आधार पर राजनीति चलाना है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री विजयन ने कहा था कि आरएसएस समेत दक्षिणपंथी संगठन कई सालों से देश के विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस ने मुसोलिनी के संगठनात्मक ढांचे और हिटलर की विचारधारा को अपना लिया है, दोनों तानाशाहों ने दुनिया को आतंकित कर दिया था। विजयन ने कहा कि महात्मा गांधी को मारने वाले नाथुराम गोडसे आरएसएस का हथियार था, यह हत्या एक साजिश का परिणाम थी। उन्होंने आगे कहा कि अब भारत में आरएसएस ने मुस्लिमों, क्रिश्चियनों और कम्युनिस्टों को अपना दुश्मन मान लिया है और उन्हें देश से निकालने के लिए हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।